हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके गुरुजी में। आज आपका फिर से स्वागत है। टॉप 10 सीरीज चल रही है, उसके अंदर हम अलग अलग टॉप 10 चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। उसी के लिए आज हमारा टॉपिक है टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे छोटी छोटी कंट्री टॉप 10 कंट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है वो भी डिस्कस करेंगे, उनकी लोकेशन भी बताएंगे, उसका एरिया क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी यूरोप में आई हुई है और जो इसका एरिया है वो 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर भी पूरा नहीं है। जो वेटिकन सिटी है वो इटाली की जो कैपिटल है रोम, उसके अंदर आई हुई है। सेकेंड बात करते हैं मोनाको। मोनाको जो है वो भी यूरोप के अंदर है और जो मोनाको है वो फ्रेंच का जो आइलैंड है समुद्र किनारा, उसके अंदर आई हुई कंट्री है। जो मोनाको की कैपिटल है वो है मोंटी कार्लो, इसकी जो कैपिटल है और जो इसका एरिया है 0.78 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड कंट्री की बात करते हैं, जो हमारी थर्ड कंट्री है वो नौरा है। ये जो नौरा है ये ओशनिक आइलैंड में, ऑस्ट्रेलियन और ओशनिक आइलैंड के अंदर आई हुई है। ऑस्ट्रेलिया नाम का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर आई हुई है और माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया नाम का जो आइलैंड्स हैं उनके बीच में एक कंट्री है। और जो इसकी कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है वो यरेन है, इसकी कैपिटल के बारे में। और जो फोर्थ कंट्री है वो तवालू है। जो फोर्थ कंट्री की बात करते हैं तो ये जो कंट्री है ये भी ऑस्ट्रेलिया नाम के कॉन्टिनेंट के अंदर आई हुई है, जो कि पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं उनके बीच में आई हुई है। इसका एरिया जो है वो 26 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी जो कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल है वो फ्रैंकफर्ट है। तो कौन सी इसकी कैपिटल? फ्रैंकफर्ट, इसकी कैपिटल फ्रैंकफर्टी इसकी कैपिटल है। ये फोर्थ नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आई हुई है। अब फिफ्थ पे बात करते हैं सान मरीनो। जो सान मरीनो है ये यूरोप के अंदर है और इसका जो एरिया है वो 61 स्क्वायर किलोमीटर है और ये कॉन्टिनेंट इसका कौन सा है? यूरोप के अंदर आई हुई है और इसकी जो कैपिटल है सान मरीनो की, सान मरीनो कैपिटल है। जो सिक्स नंबर पे है स्मॉलेस्ट कंट्री में वो लिंस्टेंस्टाइन, थोड़ा बोलने में और लगता है। और जो इसकी कैपिटल है वो जो कैपिटल है वो है वदूज, इसकी कैपिटल है लिंस्टेंस्टाइन की। और जो इसका एरिया है वो 160 किलोमीटर स्क्वायर टोटल इसका एरिया है और ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आई हुई है। सेवन नंबर मार्शल आइलैंड्स। जो मार्शल आइलैंड्स है उसकी जो एरिया है वो 181 स्क्वायर किलोमीटर है और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आई है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये जो मार्शल आइलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आई हुई है और इसकी जो कैपिटल है वो है मजूरो इसकी कैपिटल है इस आइलैंड की। अब एट नंबर पे आता है सेंट किट्स एंड नेविस। ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे छोटी कंट्री है। नॉर्थ अमेरिका मतलब जहाँ पे यूएसए कनाडा मेक्सिको आए हैं, उस कॉन्टिनेंट की सबसे छोटी कंट्री है। और जो इसकी कैपिटल है उसके हम आपको डिस्कशन कर लेते हैं। जो इसकी कैपिटल है वो बसा तेरी है, बसा तेरी इसकी कैपिटल है और इसकी लोकेशन के बारे में हम आपको बता देते हैं। जो इसकी लोकेशन है वो अटलांटिक ओशियन और कैरिबियन सी के बीच में इसकी लोकेशन है सेंट किट्स एंड नेविस की। नाइन नंबर पर आता है मालदीव। मालदीव की जो कैपिटल है वो है मेल और ये एशिया की सबसे छोटी कंट्री है। जो एशिया जिसमें इंडिया है उसकी सबसे छोटी कंट्री है मालदीव्स और उसका जो एरिया है 300 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी कैपिटल के बारे में बता चुका हूँ मेल और यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है मालदीव रुपी। जो लास्ट है टेंथ नंबर पे उसकी जो माल्टा, इसकी जो कैपिटल है वो वलेटा है और इसका एरिया है 316 स्क्वायर किलोमीटर और जो इसकी लोकेशन है वो यूरोप के अंदर आई हुई ये कंट्री है। इस तरह टोटल टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड का जो था सेशन वो टोटली हमने आपको बताया कि कैसे कहाँ पे सबकी लोकेशन है, क्या सबकी कैपिटल है। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।